ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट एंड द थर्ड टाइप ऑफ लिवरेज दैट इज कंबाइंड लिवरेज। इस लिवरेज में, इस पार्ट में आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कंबाइंड लिवरेज इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ही है। सो इन्हीं के फॉर्मूले से ये बनेगा, इन्हीं के वेरिएशन से इनकी फिगर्स आएगी। सो लेट्स हैव अ लुक। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लो 100, ये 20, तो ये आया आपका 80, और ये 30, तो ये आया आपका 50। मान लो इंटरेस्ट था आपका 10, तो ये आया आपका 40। टैक्स 50% लेके चलते हैं, तो 20, ये आया आपका 20, ये 0, ये 20, और 2 लाख नंबर ऑफ शेयर है तो EPS आ गया 10। और दो फिगर्स ऐसे ले लेते हैं, इसको 10% से बढ़ाता हूँ तो ये 110, ये हो जाएगा 22, 88, 30 और 58, 10, तो ये आ जाएगा 48। टैक्स आ जाएगा आपका 24, 24, 0, 24, 2 और 12। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, 20% से बढ़ा के देखते हैं। 110 प्लस 20% इज 132, 22 प्लस 20% इज 26.4, 105.6, ये 30, 75.6 और ये 10, 65.6, और इसका आधा ले लेते, 32.8, यहाँ पे भी आ जाएगा 32.8, 0, 32.8, 2, 16.4। ये बस मैंने तीन फिगर्स ले ली अपने मन से ताकि आपको समझा सकूँ। ध्यान दो, कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, प्लेन और सिंपल। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या था आपका? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इनटू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इनटू, ये था EBIT डिवाइडेड बाय EBT। यानी मैं बोल सकता हूँ EBT, EBIT, EBIT कैंसिल होके ये कितना बचेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। यानी आप कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हो सिर्फ कंट्रीब्यूशन और EBIT से, यानी कि डायरेक्ट सिर्फ ये फिगर्स, कंट्रीब्यूशन और EBIT से, यानी कि ये फिगर्स। चलो निकाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पहला वाला आप देखोगे 80 है कंट्रीब्यूशन, 40 है EBIT, तो 80 बाय 40 करेंगे 2, 88 बाय 48, 1.83, और 105.6 बाय 65.6 आता है 1.61। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंबाइंड लिवरेज। कुछ फिगर सेम है जो पिछली बार हमने लिए थे फाइनेंस फाइनेंशियल लिवरेज से लेके, बट वो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन अलग है। हमने यहाँ 20 लिया था, यहाँ 10 ही लिया। ठीक है, सो ये सेपरेट कंबाइंड लिवरेज का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब मैं ऑपरेटिंग डिग्री, सॉरी डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज लेता हूँ और उसके फॉर्मूले देखिए कैसे आते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, सो इसका क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, करेक्ट। ये ऑपरेटिंग लिवरेज। कंबाइंड फाइनेंशियल लिवरेज क्या था? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। कूल, अब देखो परसेंटेज चेंज इन, अच्छा तो आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लेट्स डू इट। 10 से 12, 2 रुपए बढ़ा 10 पे, तो कितना परसेंट बढ़ा? 20% बढ़ा। सेल्स कितने से बढ़ा? 10% से बढ़ा। कंबाइंड लिवरेज 2, 12 से 16.40, यानी 4.40 बढ़ा 12 पे, तो ये आ गया आपका 36.67, और ये कितने से बढ़ा? 132 और 110, 20, तो ये आएगा 1.83। इसका मतलब क्या हुआ कंबाइंड लिवरेज का, हम अब ये भी लिख लेते हैं। ये देखो 2 और 1.83, 2 और 1.83, दैट फॉर
एवरी 1% चेंज इन सेल्स ईपीएस विल चेंज बाय 2%। ये सिर्फ मैं पहले वाले का बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ पहले वाले का बता रहा हूँ, ये बाकी दो छोड़ दो। कंबाइंड लिवरेज का मतलब होता है कि सेल्स में 1% चेंज होने से ईपीएस में कितना डिफरेंस आएगा। तीनों को मैं समराइज करता हूँ, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। सेल्स ऑपरेटिंग लिवरेज, देखो सेल्स में 1%, ये रहा ईबीआईटी और सेल्स। सेल्स में 1% चेंज होने से ईबीआईटी कितना बढ़ेगा, तो 1% क्या चेंज हो रहा, सेल्स से ईबीआईटी कितना फर्क पड़ेगा। फाइनेंशियल लिवरेज देख लो, फाइनेंशियल लिवरेज बोलता है कि 1% क्या चेंज हो रहा, ईबीआईटी, तो ईपीएस कितना चेंज होगा। और कंबाइंड लिवरेज क्या बोल रहा, 1% क्या चेंज होगा, सेल्स अगेन, तो चेंज बताता है वो ईपीएस में, क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर ईपीएस है, ईपीएस है, ये रहा ईपीएस, ईपीएस यहां से आ गया, ईपीएस ईपीएस या वन सेल्स और सेल्स यहाँ आ गया। अब आपके लिए इतने सारे फॉर्मूलेज हो गए, अब इसलिए आपको दिक्कत जाएगी। सो यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट द फॉर्मूलाज वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ये क्या होता है, ये रिस्क होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस से रिलेटेड रिस्क है, फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क है। ये ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है, फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट की वजह से होता है, कंबाइंड लिवरेज इन चारों की वजह से होता है। आ रहा है आपको समझ में? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, आपके पास इस तरह से 6 फॉर्मूलेज हैं। आंसर 3 ही आते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको स्ट्रांग बना सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इजी पार्ट। आप याद, आप सिर्फ फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना होता है बहुत बार में। सो दिस इज़ वेरी इजी पार्ट टू स्कोर मार्क्स। सो इसको स्ट्रांग बना के चलना ताकि इसमें कहीं मार्क्स ना जाए, कितने भी आड़े टेढ़े कैलकुलेशन पूछ लें, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो थोड़े इनडायरेक्ट वे में आएंगे। सो आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल लिवरेज दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे सेल्स की फिगर निकालो, ईबीआईटी की फिगर निकालो या ईबीटी की फिगर निकालो। आपको ये कभी नहीं आएगा कि कंबाइंड लिवरेज निकालो, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, ये निकालो, भूल जाओ कि ऐसा आएगा। आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी रखोगे तो ये तो आराम से आ जाना है, क्योंकि यहीं से वो शुरू होता है। नोट डाउन कर लो इन सब चीज़ों को, उसके बाद में क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं।